my next team support for India, England. नहीं नहीं इंडिया वैसे हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने क्यों चाहना? एज ए स्पोर्ट्स अच्छे हैं वो, लेकिन कब के लिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनको पास आए। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं ये मेरा ये कहना है, कहने तो जो कहती है दुनिया कब चुप रहती है। लोग बहुत डिसअपॉइंट होने थे, आगे जाके इंडिया से हार जाते। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं कह रहा हूँ शुरू में जीतेगा जीतेगा हारेगा जीतेगा, लेकिन एंड पे हार नहीं है। क्योंकि आप वो वाली या तो फिर वो वाली टीम ले आए, वो वाला कैप्टन ले आए, वो वाला जोश ले आए। आपको पता है हम यूट्यूब बना जीते जैसे सेलेक्ट वाली ठप्पे लग जाते हमारी मोहरे। चलो मेरा भाई एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीना तारिक। पाकिस्तान तो खैर अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, हम यहां की पब्लिक से पूछते हैं कि क्या रीजन थी इसके पीछे। आप भी अपना फीडबैक दीजिए नीचे दिए गए कमेंट में, तब तक हम यहां की पब्लिक से पूछते हैं उनका रिएक्शन। अच्छा सर, बदकिस्मती से ये कि हम लोग वर्ल्ड कप से अब निकल गए, हम जीत के नहीं सकते वर्ल्ड कप, मतलब कि ट्रॉफी अब पाकिस्तान में नहीं आ सकती, तो क्या कहती हैं? इसके बारे में तो ये बात कह रही थी कि हमारे जो टीम वर्क जो था उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी, और बहुत सारे जो थे हमारे फील्डिंग टाइप अच्छी नहीं थी, और बॉलर जो थे थोड़ी सी हमारी टीम की कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये मेरा ये ओपिनियन रही। अच्छा, बदकिस्मती से हमजा हम लोग का वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, तो क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, पाकिस्तान है, इन्जॉय करो लाइफ को, पार्टी करो बस। मज़े मुझे तो ले लिए ना, आपने वर्ल्ड कप एंजॉय किया है, हमने एंजॉय किया सबके साथ। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं कह रहा हूँ शुरू में जीतेगा जीतेगा हारेगा जीतेगा, लेकिन एंड पे हार नहीं है। वैसे ये सुनने में तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड कप प्ले करना चाहिए, एंड टीम भी हमारी अच्छी थी, बट बात ये है कि अगर इनकी फिटनेस ही नहीं सही होगी या अपनी तरफ से स्ट्रगल ही नहीं करेंगे तो जाहिर है बाहर ही होना है। ये हमारे लिए तो वैसे गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जो है ना चाहिए, अब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे तो उनको चाहिए था कि वर्ल्ड कप की मतलब जिस तरह खेलना चाहिए उस तरह खेलते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर जी इतने अच्छे नहीं हैं कि वो खेलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैन। जैन, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या कहते हैं? ओबियसली बैड लक चली है हमारी, यहाँ ये कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं, पाकिस्तानी टीम ने स्टार्टिंग में कोई अच्छा नहीं खेला, अच्छा गेम नहीं पेश किया, अगर स्टार्टिंग ज़्यादा अच्छी लेते तो आज हम वर्ल्ड कप से ना होते। बाकी कुछ खिलाड़ी हैं जो हमारे ओपनर हैं, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, और टॉप ऑर्डर वो तो बिल्कुल फ्लॉप रह चुका है। कुछ बाद में आके बाबर आजम ने और हारिस एल ने थोड़ा सा बैकअप किया, उसकी वजह से बस जो भी हुआ अच्छा हुआ, जल्दी टाइम से फारिग हो गए हम लोग, इतना जल्दी हम टाइम से फारिग हो गए हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा इन्होंने वो कर रहा था कि इन्होंने प्रेशर, लोग बहुत डिसअपॉइंट होने थे, आगे जाके इंडिया से हार जाते तो ये बिल्कुल अब तो वापस आ रहे हैं ना, फिर किसी ने वापस भी नहीं आने देना था इन्हें। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये वर्ल्ड कप जो है वो 1992 के वर्ल्ड कप से रिजेंबल्स करता है, तो उनकी प्रेडिक्शन कितनी ठीक साबित हुई है फिर? मेरे हिसाब से तो ये वैसे सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं कि आप किसी चीज़ को मैच कर दो के, क्योंकि आप वो वाली या तो फिर वो वाली टीम ले आए, वो वाला कैप्टन ले आए, वो वाला जोश ले आए, फिर तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप एक अपने से मफूजा बना दे कि नहीं वो वाली टीम इसके साथ मैच करती है तो वर्ल्ड कप हमारा है। वो वाली क्रिकेट बहुत स्लो थी, वो टाइम और था, अब की क्रिकेट और है, अब 2019 है, टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ें हैं, अब जो कैचेज हैं, अब बैटिंग लाइन है, वो सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हुई हैं। पहले जो था अगर आप उसको उसके साथ मैच किसी में मेरे हिसाब से तो किसी एंगल से आप मैच नहीं कर सकते। लिटिल बिट, बिकॉज मतलब जिस तरह इमरान खान का था ना कि फर्स्ट फोर उन्होंने मतलब विन नहीं किए थे और लास्ट फोर विन किए थे, तो हमारा भी कुछ कुछ उस तरह था, लेकिन जो है ना टीम वर्क सही नहीं था, तो इस वजह से शायद हम विन नहीं कर पाए। मतलब कि प्रेडिक्शन ठीक थी लेकिन टीम चेंज थी। हाँ, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई थी प्लेयर्स की, प्रेडिक्शन तो ठीक थी उन सब की, जिस तरह से वहाँ से सेम चलता आ रहा था, लेकिन सिलेक्शन ठीक नहीं थी। ये एक अन्य वाली टीम है हमारी, अन्य वाल लग गया, बल्ला बॉल से लग गया, वो गई बाउंड्री से बाहर, इसमें वर्ल्ड कप भी आ सकता था, तो वो किस्मत नहीं चली, पर किस्मत की देवी अगर मेहरबान होती तो आज वर्ल्ड कप भी हमारे पास होता। अच्छा, कुछ लोगों का हमदा ये भी कहना था कि ये वर्ल्ड कप जो है 1992 के वर्ल्ड कप से ये रिजेंबल्स करता है, तो उन लोगों की प्रेडिक्शन कितनी साबित हुई है फिर सच? मैं तो बस यही कहूँगा, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। या मैं काफी फिल्मी है। मैं फिल्म क्या, मैं बचपन से फिल्म हूँ। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं ये मेरा ये कहना है, कहने तो जो कहती है दुनिया कब चुप रहती है, तो दुनिया कहने तो जो भी कह रही है, बस अगर आपके अंदर पैशन है क्रिकेट का, अगर कुछ होते हैं जो ज़्यादा जुनूनी होते हैं,
पिछले दिनों मेरे मोहल्ले में जो है ना एक बच्चे ने LCD तोड़ दी, अपने बाप को चुपड़े मार था, उसका बाप जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, इंडिया को सपोर्ट कर रहा था तो उसने LCD तोड़ दी। LCD तोड़ दी, उसके पापा इंडिया को सपोर्ट करते, कहता नहीं पाकिस्तान, क्योंकि उसके अब्बू ने जुआ लगाया हुआ था उसके ऊपर। उनको पता था कि पाकिस्तान ने हार नहीं है तो मैं जुआ लगाया था इंडिया के ऊपर, तो उसके अब्बू अमीर हो गए। ओबियसली स्टार्टिंग से तो हर चीज़ ये आ रही थी, जितने मैच हम 92 में हारे थे वही हम उतने अब तभी आ रहे हैं, जीते भी उतने, हर चीज़ होती गई है। लेकिन 92 में ये नहीं हुआ था, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला मैच हुआ और वो दोनों जीत के बाद भी न्यूजीलैंड हमसे ऊपर रह चुका और हम नीचे रह गए, ये 92 में नहीं हुआ था। बाकी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल सेम थी 92 वाली, बाकी बैड लक ही चली हमारी। जी वेल, बिल्कुल सुनने में आया था कि 92 के साथ बहुत सारे जो लोग हैं उसको मैच कर रहे थे हमारे वर्ल्ड कप को, लेकिन थोड़ी थी कोऑर्डिनेशन बिटवीन, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने अच्छा वर्क नहीं किया उसको अच्छी तरह उसको अटैम्प्ट करने के लिए। अगर उसको अटैम्प्ट करता तो वो विन कर सकता था। वो कहाँ परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लगी? लाइक बहुत सारे आवर टीम वर्क में, लाइक आवर जो कैप्टन है वो जब वो मैच हम हार के आप पाकिस्तान इंग्लैंड से वापस आते तो इंग्लैंड में भी बहुत सारे लोग थे पाकिस्तानी जो हमारे कैप्टन को बुरा भला कह रहे थे, तो उनको या हार जीत तो होती रहती है। तो मेरा आइडिया ये है मतलब कि किसी को ऐसे उसको लेट डाउन नहीं करना चाहिए भाई। सब हर दफ़ा वंस इन अ ब्लू मून होता है, हर दफ़ा नहीं होता कि हर दफ़ा आपका कोई जैकपॉट लगेगा और आप इस पे रहें कि जी तो वो हारेगा तो फिर हम आगे जाएंगे। अजीब गरीब आप इस सिचुएशन पे आए क्यों कि आप इस सोच पे आए कि जी यार वो हार जाए तो हमारा हमें चांस मिल जाए, ये तो गेम ही नहीं होती। आपको पहले दिन से अपनी जीत के लिए कुछ करना चाहिए था, मेहनत करनी चाहिए थी, वो आपने की नहीं, एंड आप आके और लोगों को भी सोच रहे हैं कि वो हारे वो जीते। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक हुआ है, टाइम से फारिग हो गए। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ हमारी टीम की गलती लगी? किसकी टीम, हमारी टीम क्या आपकी टीम? हमारी टीम। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तान की गलती ये लगी कि बर्गर पिज्जे सिस्टम जाम खा रहे थे, वो बर्गर चल रहे हैं, पिज्जे चल रहे हैं, कॉफियाँ चल रही, उनको चाहिए था थोड़ा सा जाते कोई अच्छी खुराक खाते ताकि। और जब ये बात है कि जो है ना, जब आपको गेम के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा ना, और जैसे मैं प्रैंक्स में आता हूँ, अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था प्रैंक में, मुझे जो है ना सुना इसमें आवासी आती हैं, तो अगर जितना इंटरेस्ट होगा ना, नेचुरल हैबिट है ये, नेचुरल हैबिट तो है, लेकिन आपको पहले से प्री प्लान बना के आना पड़ता है ना। आप जब आप जिस तरह आई नहीं है, अब ये तो नहीं ना कि आप सो के उठ के इस तरह ही आ गए। आप कहते हैं एक दिन पहले आपने सोचा कि जी कल जाके मैंने इंटरव्यू लेना है, तो आप पूरी तैयारी के साथ आई हैं। और आपका ये कहना है कि हमारी टीम में डिटर्मिनेशन नहीं है? डिटर्मिनेशन नहीं है, बस उनका शौक खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। ये कहता हूँ इंजॉय करो, पाकिस्तान ने हारना है, टेंशन नहीं लेनी, बस इंजॉय चिल करो लाइफ को। ओवरऑल ये टीम नहीं है, हालांकि पाकिस्तान, मैं पैट्रियोटिक, आई एम पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, बट एज अ स्पोर्ट्स, मैं एज अ स्पोर्ट्स, इंडियन टीम इज़ द बेस्ट टीम, बहुत अच्छी टीम है। आप रिलाई कर सकते हैं, कोई एक आउट भी हो गया कोई बात नहीं, दो आउट हो गए हैं कोई बात नहीं, इनकी तरह नहीं है कि एक आउट हुआ दूसरा प्रेशर में आ गए, लाइन लग जाती है इनकी, तो एक मिनट लगता है लाइन लग जाती है। इंडियन टीम बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आती, प्रेशर में नहीं आती, दे आर स्पोर्ट्समैन, ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, मैं नहीं मानता। नहीं, कप्तान का तो ये कहना था कि हमारे बॉलर्स अच्छा काम नहीं करते। नहीं, बॉलर्स ने तो अच्छा किया, बॉलर्स क्या करते हैं, बॉलर स्कोर तो नहीं बना सकते ना, स्कोर अच्छा होता तो आप करते, स्कोर ही नहीं था तो बॉलर तो अच्छा कर गए हैं। हालांकि बैटिंग पिछे हैं, हर टीम 300 से ऊपर लेके जा रही है मैच, अगर ये बॉलरों पे डिपेंड करें तो ये तो बिल्कुल गलत है। टीम को क्या सजेशन करना पसंद करेंगे? सजेशन यही कर देंगे जो पुराने खिलाड़ी उनको निकालें, फीस को बिल्कुल निकालना चाहिए, और दूसरा क्या उसका नाम है मलिक को, उसको निकालें, उन्हें कुछ भी नहीं है, मलिक ने जितने मैचों में खेला कुछ भी नहीं करके गया, 4-5-6 स्कोर, ये तो स्कोर नहीं है, सीनियर प्लेयर था उससे इतनी बंदे को थी यार ये कुछ करके जाएंगे, सीनियर कुछ करके नहीं गया, दूसरे प्लेयर तो अच्छा कर गए हैं, तो ये मैं तो कहता हूँ टीम सारी चेंज की जाए, काफ़ी सारे खिलाड़ी नए लेके आए जाए, वेरी पॉजिटिव वाइब। अच्छा जरी, तो मुझे ये बताइए कि आप अब नेक्स्ट किस टीम को सपोर्ट करेंगे? माई नेक्स्ट टीम सपोर्ट फॉर इंडिया। इंडिया पसंद है? बिकॉज वो हमारा नेबर कंट्री है, तो इसलिए मैं क्या आपको यही कहेंगे कि जो ट्रॉफी है वो एशिया में ही आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट किसको सपोर्ट करेंगे आप? नेक्स्ट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बची है, जो हमारी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी, बाकी इंग्लैंड को सपोर्ट किया वो भी हार गई, न्यूजीलैंड को किया वो हार गई, तो ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप ले जाए उनका स्कोप पूरा आ जाएगा। वर्ल्ड कप में डेफिनेटली अब तो ऑस्ट्रेलिया को ही करना पड़ेगा, इंडिया को तो कर नहीं सकते। क्यों, इंडिया को क्यों नहीं, आप नहीं चाहते कि कप एशिया में रहे? नहीं, इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने क्यों चाहना, एज ए स्पोर्ट्स अच्छे है वो, लेकिन कप के लिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनको पास आए। नेक्स्ट मैच जो हूँ ना, मैं खुद अपनी टीम लेके आ रहा हूँ, सुपर बॉय प्रैंक्स की टीम होगी, क्रिकेट में क्रिकेट खेलेंगे हम, क्या हो गया, हमारे पब्लिक रिएक्शन शो के फैसल भाई जो ना हमारे कैप्टन होंगे,
मैं ऑलराउंडर हूँ, क्रेजी ब्रैंक टीवी स्पिनर है, सारे यूट्यूबर्स की टीम मैं हो सकता है वही ले जाऊँ। और जितनी पाकिस्तान जिस तरह खेलती है ना टीम, मैं 6 बोलों में 6 छक्के मार के मैं अपनी गली मोहल्ले में खेलता हूँ। मैं सबसे बड़ी बात सिलेक्शन की वो मैं करा लूँगा, टेंशन नहीं लेनी। आपको पता है हम यूट्यूबर हैं, जिसे जैसे सिलेक्ट पहले ठप्पे लग जाते हमारी मोहरें, चलो मेरा भाई। मैं वैसे हमेशा पाकिस्तान का तो मैं वैसे मैच सीरियसली देखता नहीं हूँ, इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत इतनी है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन जिस तरह से ये हमारी मोहब्बत को तोड़ते हैं ना, बिल्कुल कसम से दिल ही नहीं करता। 5-5 दिन हम लोग खाना नहीं खाते, सिर्फ इन्हीं की जो है ना वो 5-5 दिन आप खाना नहीं खाते। जब इतना बड़ा दुख होता है जिनके साथ हमारी, आपको पता है कि हम साये कंट्री के साथ हमारा सबसे बड़ा वो होता है, और जब भी देखो जब भी एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हैं, हम लोगों ने इतनी उम्मीदें की होती हैं, हम लोग इतना सोचते हैं, सपोर्ट करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपने लिए दुआ नहीं मांगते। जिस दिन मैच होता है इनके लिए दुआएं मांग रहे होते हैं, अपने लिए दुआएं नहीं मांगते। इंग्लैंड वो क्यों? बिकॉज वो अच्छी है, मतलब हम चाहते हैं कि इंडिया, हम उनको नहीं चाहते कि इंडिया विन हो, तो इससे बेहतर है इंग्लैंड विन हो जाए। तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वर्ल्ड कप जो है वो एशिया में रहे तो इंडिया ही जीते। नो जी, आज की वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी आवाम ने बताया कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से बाहर जाने की मेन वजह थी क्या। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।